स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अब तक 1.8 लाख लोगों को लगभग 40,700 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। बता दें कि स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभार्थियों में 80% संख्या महिलाओं की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्कीम के 7 साल पूरे होने पर ये जानकारी दी। बता दें कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने इस स्कीम को 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए रियायती दरों पर लोन ऑफर किया जाता है।